बढ़ते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है सोयाबीन की। तो आपको बता दें कि इंदौर को प्राकृतिक खेती में अव्वल बनाने के लिए पीएम मोदी की सलाह पर अमल शुरू हो गया है। सोयाबीन की प्राकृतिक खेती पर विचार के लिए 17 और 18 मई को इंदौर में सेमिनार हुआ। इसमें देश भर के 150 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, सोयाबीन किसान और कृषि अधिकारी शामिल हुए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती पर चर्चा भी की। हाल ही में 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि इंदौर जिस तरह सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह इसके प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी देश भर में उदाहरण बनना चाहिए। इंदौर प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला जिला बने। प्रधानमंत्री की इस अपील पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परिषद अमल करने जा रहा है। उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में अखिल भारतीय सोयाबीन रिसर्च परियोजना की बैठक 17 और 18 मई को की थी। इसमें देश भर के 150 से ज्यादा सोयाबीन वैज्ञानिक, किसान और अधिकारी शामिल भी हुए थे। इसमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के अलावा सोयाबीन की नई किस्म की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। सोयाबीन खेती में नई तकनीकी और 4 नई किस्मों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की डायरेक्टर का कहना है कि सोयाबीन एक विदेशी फसल है जो अमेरिका से आई है। इसे भारत ने अडॉप्ट किया, लेकिन अपने देश में क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है कि इसके सर्वाइव करने में टाइम लग रहा है। अब कुछ किस्में ऐसी आ गई हैं जो इस मौसम के हिसाब से पैदावार भी दे रही हैं। इन्हीं किस्मों पर अब हमारा फोकस रहेगा। किसानों से इन्हीं किस्मों को उगाने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य का दर्जा दिया गया है। यहां देश में कुल उत्पादन का 50% सोयाबीन होता भी है। ऐसे में इस फसल की प्राकृतिक खेती की जाएगी, यानी उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ये अच्छी पहल ही होगी। हालांकि प्राकृतिक खेती की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर ना केवल चर्चा है बल्कि इसके लिए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो आगे किसानों के लिए एक जीत में तब्दील होगी। तो यानी कि अब तिलहन फसलों के लिए सरकार भी आगे आ रही है, और जिससे उत्पादन अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, हेल्दी रहे, और इसका निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, इसके लिए सरकार भी अब इसकी ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही है। Thank you.